गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखिए, ये आप हमने ये क्या कराया, ये डेकोरेट किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का आज प्रेजेंटेशन था स्कूल में। तो ये हमने देखिए बलून से इंडिया का मैप डेकोरेट किया है। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, और ये जो स्पार्कल के होते हैं अल्फाबेट, वो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आप बने रहिएगा, हम आपसे आगे मिलेंगे, अपनी दिनचर्या आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। पहले जीवितेश की ऑनलाइन क्लास चलेगी और इन्होंने एक पोम रिसाइट करनी है। तो चलिए फिर आप भी देखिए जीवितेश का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग मैम, टुडे आई जीवितेश एंड माय फ्रेंड वन वी आर गोइंग टू रिसाइट अ पोम। द टाइटल ऑफ द पोम इज आई लव माय नेशन। विद हिमालयाज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। आई लव माय नेशन विद डेवलप्ड कल्चर एंड ब्यूटिफुल स्कल्पचर। द पीपल हैव नो रेस्ट टू डू देयर वर्क बेस्ट। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नितेश मंगाली है। मैं यूकेजी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक होगा जय हिंद। भारत देश है मेरी जान, भारत देश है मेरी शान, मन मंडल मेरा सब कुछ इस मिट्टी पर है कुर्बान। आओ इसे बनाए स्वच्छ, भिन्न भिन्न त्योहार यहाँ, हिंदू मुस्लिम प्यार यहाँ, भारत देश है मेरी जान, भारत देश है मेरी शान। बाय मैम। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ट्राई कलर की पूरी। इसके लिए मैंने गाजर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और ये पालक के पत्ते भी ग्राइंड कर लिए हैं। और ली है मैंने थोड़ी सी ये हींग और ये नमक। एक प्लेट में पहले हम मैदा ले लेंगे। ये देखिए मैदा ले लिया है। और मैदे के बदले आप आटे का यूज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर इसमें थोड़ा सा हींग मिलाएंगे और थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। इसको आपस में मिक्स करके हम गूंथ लेंगे। एक डो हम केवल व्हाइट आटे का ही तैयार करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिला के गूंथ लिया और थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऐड कर दिया इसमें। और फिर दूसरा डो हम तैयार करेंगे पालक का, जिससे ग्रीन कलर आ जाएगा। उसी तरह हमने ये ग्रीन कलर का डो भी तैयार कर लिया है।
देखिए इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है, तो आप इसी में ही आटे को गूंथिए तब अच्छा कलर आएगा आटे का। ये हमने ग्रीन कलर का डो भी तैयार कर लिए, थोड़ा सा रिफाइंड डालकर इसको रख देंगे। और अब हम करेंगे रेड सैफ्रॉन कलर का, तो गाजर से आ जाता है थोड़ा उस कलर। ये देखिए गाजर को भी हमने बिना पानी मिलाए ही आटे में गूंथ लिया है और थोड़ा सा रिफाइंड इसमें भी ऐड करेंगे। और इससे परफेक्ट कलर नहीं आ पाता है तो थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर भी ऐड किया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और थोड़ा सा वाटर ऐड करके और अच्छे से उसे गूंथ लेंगे। देखिए ये भी तैयार हो गया। ये देखिए फिर हमने पतली पतली सी लेयर बना के एक ऊपर एक को रख के फिर चाकू से इस तरह कट करेंगे जैसे हमारे फ्लैग में तीन कलर होते हैं, उस तरह से मैंने ये आटा तैयार कर लिया है। और अब कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया मैंने, अब इसकी छोटी छोटी पूरियां बनाएंगे। देखिए में रख दिया है और ये लग रही है तिरंगे के कलर की। आज ये बच्चों ने बोला था कि हमें ट्राई कलर की पूड़ियां खानी है, मेरे को मत दिखाना, मैं आज सही में बनी। आप भी बनाइएगा इस तरह की तो आपको भी अच्छी लगेंगी, देखने में भी काफी सुंदर लगती है। ग्रीन व्हाइट और सैफ्रॉन कलर जब नजर आता है तो देखिए कितनी लुक वाइज भी कितनी अच्छी लग रही है पूड़ियां, और खाने में भी अच्छी होती है। इसमें पालक का स्वाद गाजर का स्वाद सब मिक्स होता है। और इसके साथ साथ मैंने बना दी थी आलू मटर की सब्जी। देखिए इसी तरह हम सारी पूरियां बेल करके इनको फ्राई करके रख लेंगे। तो मेरी पूरियां सारी हो गई थी फ्राई और सब्जी भी तैयार हो गई थी और जीवितेश जीतेश बैठ गए खाने के लिए और यही बताएंगे अब खाना कैसा बना। आज हमारी मम्मी ने बनाई है हमारे लिए ट्राई कलर की पूरी। यस तो कैसी है ये भी तो बताओ। बहुत अच्छी, बहुत 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 ज्यादा। थैंक यू थैंक यू वेलकम। अच्छा इतनी अम्मी हो रही है। ओके फ्रेंड्स खाना हो गया था हमारा और ये थोड़ा शाम का वक्त था, धूप अच्छी निकली हुई थी तो हम ये नीचे आ गए हैं। ये देखिए हितेश को साइकिल करना बहुत पसंद है और ये साइकिल चला रहे हैं। हालांकि हवा ठंडी थी लेकिन धूप भी अच्छी थी तो हमने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा धूप में बैठा जाएगा। और यहाँ पर जीवितेश भी खेल रहा है फुटबॉल, ये देखिए। तो थोड़ा देर हम लोगों ने यहाँ पर धूप में ही अपना टाइम बिताया। ये देखिए ये फ्लैग भी साथ में लाए हुए और अपनी
गन भी साथ में लाई मैंने। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आई है, और ये देखिए ये चल दिए फिर। ये लो, कोई बात नहीं, उठाओ। आप उसमें आ गए थे ना, देखो ऊंचा में ऊंचा है वहां पर। कोई नहीं, स्ट्रॉन्ग बेबी कौन है, कौन है? हित ऐसे लगाओ ना इसे। नहीं तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और अपने प्यारे के प्यारे कमेंट हमें भेजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रिपब्लिक डे।